अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भोपाल से, राजधानी की सड़कों की रिपेयरिंग होगी। नगर निगम 70 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगा। बारिश में 3000 किलोमीटर सड़कें खराब हो गई थी, जिसकी अब रिपेयरिंग शुरू होगी। तो जो राजधानी भोपाल की खस्ता हाल सड़कें हैं, अब उनकी रिपेयरिंग शुरू होगी, मरम्मत की जाएगी और इसके लिए निगम 70 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, राजधानी भोपाल की सड़कों की अब रिपेयरिंग शुरू होगी, 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमने देखा कि किस तरीके से जो बारिश में सड़कें खराब हो गई थी और कई घटनाएं दुर्घटनाएं भी सामने आई, लेकिन अब इन सड़कों की रिपेयरिंग की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए पूनम, जिस तरीके से एक बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं नगर निगम के इलाकों में ही आता है, और नगर निगम के इलाकों में रहने के बावजूद लोगों को खस्ता हाल सड़कों का से काफी परेशानी जो है वो उनका फेस करना पड़ रहा था। और ऐसे में अब जिस तरीके से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक निर्देश जारी किए थे कि जल्द से जल्द इन रोडों का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और सड़कों के निर्माण की बात भी 1 अक्टूबर से कही गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 3000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो खराब हो गई थी, तो ऐसे में नगर निगम के क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको बनाने का काम नगर निगम आज से शुरू करने जा रहा है। और इसके लिए 70 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो भी बजट में किया गया है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 70 करोड़ रुपए की राशि जो है भोपाल की सड़कों को सुधारने के लिए नगर निगम उपयोग में लाने वाला है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की बात की जाए या फिर सीपीए की बात की जाए तो इनके अंतर्गत जो सड़कें आती हैं उनको भी बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। और कहीं ना कहीं हालांकि क्योंकि ये बात कही जाती है कि नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी सड़कें आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा भोपाल की सड़कें हैं, तो ऐसे में नगर निगम पहले इसकी शुरुआत करेगा, क्योंकि लगभग 200 से 2300 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो लगभग राजधानी के नगर निगम में आती हैं, तो ऐसे में ज्यादा जो हिस्सा है वो नगर निगम में आता है, तो नगर निगम पहले इसकी शुरुआत करेगा। और जब थोड़ा थोड़ा हिस्सा लास्ट का बचेगा तो उसमें पीडब्ल्यूडी और सीपीए अपना काम करेगा और सड़कों को बनाने का काम पूरा करेगा। हालांकि जिस तरीके से ये प्रयास जल्द से जल्द किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण हो सके और लोगों को धूल भरी और जो कच्ची सड़कों से निकलने की जो परेशानी साबित होती है या फिर कई लोगों को कहीं ना कहीं बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में लोगों को इससे भी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानी पिछले दिनों हुई है तो उससे भी लोगों को निजात मिल सकेगी। यही कारण है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण किया जा सके ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी पुनः शंत जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लोगों को राहत मिल सके इसके लिए अब कहीं ना कहीं सड़कों की जो है रिपेयरिंग की जाएगी, और इसके लिए निगम 70 करोड़ रुपए खर्च करके इन सड़कों की रिपेयरिंग करेगा। करीब 3000 किलोमीटर की सड़कें जो बारिश के कारण खराब हो गई थी, अब उनकी मरम्मत की जाएगी।